हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जेटेक में। गाइस, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार कुछ कमेंट्स पढ़े जा रहा था लोगों के, कि लोग पूछ रहे थे यार कि वो ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे करें यूपीएस डब्ल्यू 2020 की। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी। ठीक है, तो ये देखिए वो वीडियो है जिसमें मैंने बताया था UPSW 2020 लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी 400+ मार्क्स। इसमें मैंने अपना भी एक्सपीरियंस बताया हुआ था कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी और कौन कौन से चैनल को प्रेफरेंस किया था। पर बहुत सारे लोगों को फिर भी डाउट था कि वो अच्छे से बताएं कि क्या क्या प्लेलिस्ट फॉलो करें, ठीक है ना, और कैसे आप उसे अच्छे से यूटिलाइज करके बूस्ट कर सकते हो, अपने मार्क्स को 400+ ला सकते हो। तो यार अभी क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गया है, अगस्त 2 को आपका एग्ज़ाम है, आपके पास एक बहुत बड़ा टाइम है, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स अभी से कह लीजिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना, जो कि मोर देन इनफ है आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। अब गाइज, मैं चैनल के नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा। देखिए, अब यहाँ पे दो तरह के लोग हो सकते हैं, पहले वो जो जेई के लिए भी जा रहे हैं और UPSEE के लिए भी जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता दूँ कि जेई और UPSEE का कंटेंट बहुत अलग है, ठीक है ना। जो जेई का कंटेंट है वो अलग है और UPSEE का कंटेंट अलग है। जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो UPSEE आराम से क्लियर कर लेंगे, और जो UPSEE की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा जेई को अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि दोनों का कंटेंट काफ़ी अलग है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं UPSEE प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो within 2 मंथ्स। ठीक है, तो यार चैनल का नाम बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सबसे स्टार्ट करते हैं यार केमिस्ट्री से। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए जो बेस्ट चैनल है, ठीक है, वो है हेलुलस एडुकोर। मैंने इसे पहले भी बताया था आपको उस समय भी जब मैंने वीडियो बनाया था। तो क्यों है ये केमिस्ट्री का बेस्ट चैनल? क्योंकि जो इसका टीचर है इंजीनियरिंग सॉरी ER दुष्यंत शर्मा, बहुत अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है, जो कि UPTU में तो बहुत बेनिफिशियल है, खास करके UPSEE एग्ज़ाम में खुद को बेनिफिट मिला था। मैंने लास्ट 30 डेज में बस इनकी जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई थी मैंने सारी देख ली थी। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, और बहुत ईजी और शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ाते हैं ये, और आपको ज़्यादा बहुत डीप में नहीं जाना होता, बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं होते, लेकिन हाँ क्वेश्चन डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। इनके प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर के देख सकते हो, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप ढूंढ ढूंढ के जितने भी आपको मिले, चाहे वो नीट का हो और जेई का हो, दोनों आपको कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जो UPSEE के क्वेश्चन होते हैं वो दोनों में से आते हैं, जेई मेन से भी क्वेश्चन, जेई सॉरी जेई से भी आ जाते हैं और नीट से भी आ जाते हैं। लेवल थोड़ा लो रहता है तो नीट और जेई के बीच का ही रहता है, जेई से ऊपर तो लेवल होता नहीं है इसका। और बात करते हैं इनके फिजिक्स की, बहुत सारे लोग मुझसे फिजिक्स के लिए स्पेशल पूछे थे फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। देखिए, फिजिक्स के लिए स्पेशल चैनल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आप फिजिक्स वल्ला को जानते होंगे जो यूट्यूब पे फिजिक्स वल्ला करके हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके जो वीडियोज़ होते हैं बहुत लंबे होते हैं और बहुत सारा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा और टाइम आपके पास इतना नहीं है, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट लेके चलना है। तो उसके लिए मैं बेस्ट बताऊँगा इन्हीं के चैनल में, ठीक है, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको जो आपके सामने दिख रहा होगा ये, हाँ, इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है गौरव सिंघल, ठीक है, ये उन्हीं के चैनल का प्लेलिस्ट है। इनकी कुछ 29 वीडियोज़ हैं, सारी वीडियो 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे की हैं मान के चलिए, और उन्होंने 1.5 1.5 घंटे में पूरा पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये नीट के लिए है। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको नीट के लिए पढ़ना है? क्योंकि जो उसका जेई का फिजिक्स का लेवल होता है बिल्कुल नीट के लेवल के इक्वली होता है, वो बिल्कुल जेई के लेवल का नहीं होता, और बेवकूफ़ी है कि आप जेई का पूरा पढ़ेंगे तो बहुत परेशानी में आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत लेंदी होते हैं उनके क्वेश्चंस, और थोड़े लेंदी होते हैं और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं। लेकिन जो जेई के क्वेश्चंस होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू सॉरी जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जेई काफ़ी इजी होते हैं, वही लेवल होता है हमारा UPSEE का भी। तो होप सो गाइज, आपको दोनों चैनल समझ में आ गए होंगे और आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इनका डेली एक लेक्चर देख सकते हैं, तब भी आपके पास 29
डेज में आप इनका पूरा ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बहुत हो जाएगा आपके लिए। और फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए और पर्टिकुलर एक एक यूनिट को कवर करते चलिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता रहेगा और आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और प्रीवियस ईयर ही करिए, और उसके लिए मैंने बुक बताई थी अरिहंत पब्लिकेशन की। चलिए गाइस बढ़ते हैं मैथ की तरफ, जो सबकी डिफ़िकल्ट है, सबसे डिफ़िकल्ट वन है। और मैथ से डिफ़िकल्ट UPSEE में कुछ नहीं है, UPTU में AKTU में जो भी पेपर मैथ्स का आता है वो बहुत ही खतरनाक आ रहा है लास्ट 2 to 3 ईयर्स से, जो जिसका लेवल की JEE मेंस के लेवल का टक्कर का होता है। मैथ के लिए भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैनल बताए हैं आप लोगों के लिए। तो यार सबसे पहले जो मैथ का चैनल है वो मोहित त्यागी सर का है, किसी ने आपको नहीं बताया होगा पर ये बहुत पुराने टीचर हैं, रेजोनेंस जो JEE मेंस की प्रिपरेशन करवाती है उसके फैकल्टी मेंबर रह चुके हैं, HOD रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत पहले ही बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर डाल दी थी जो कि JEE से रिलेटेड थी। आपको JEE मेंस का ही मैथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लेवल कुछ ऐसा ही आ रहा है, तो इनके बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कुछ लोगों को अगर इनके वीडियो पसंद ना आए क्योंकि ये स्क्रीन पे ही पढ़ाते हैं, ठीक है, तो कुछ बोरिंग लग सकता है आपको, तो आप मैथ ऑन गो, ठीक है, मैथ ऑन गो भी बहुत बढ़िया चैनल है मैथ्स के लिए, जो कि बच्चा JEE के लिए मैथ्स कर रहा है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो मैथ ऑन गो जा सकते हैं, जो अनूप सर जो पढ़ाते हैं, ठीक है, इनके भी कॉन्सेप्ट्स और पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया है और कम टाइम में आप बहुत कुछ कवर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। इन्होंने पूरा JEE के लेवल का ही मैथ्स पढ़ाया हुआ है, पूरा JEE मेंस का आप इंट्रोडक्शन, और आपको यही पढ़ना है। तो होप्स हो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इससे रिलेटेड अगर कोई नोट्स या कुछ और रिक्वायरमेंट है जो कि आपको चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, तो आप बता सकते हैं, मेरे पास कुछ नोट्स पड़े हुए हैं जब मैं अपने टाइम पे कर रहा था प्रिपरेशन, तो मैं उससे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप मेल अपना है जो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी।